हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छे ही होंगे। चलिए भाई, आज की शुरुआत करते हैं ना। देखो, ये टॉपिक हैं आपके जिन्हें हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला है पोजीशन, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अच्छा सॉरी, इसी में पोजीशन के बाद एक टॉपिक लीव हो गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये आप एडिशनल में ऐड कर लीजिएगा इसी के साथ। ठीक, चलो भाई, सबसे पहला टॉपिक हमारा है पोजीशन। पहले आप पोजीशन का मतलब जानिए, डिस्प्लेस समझिए इसकी। पोजीशन की जो, इसे पहले आपने डायमेंशन वगैरह पढ़ लिया ना, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन क्या होता है, कैसे मोशन करती है बॉडी। पोजीशन की डिफिनेशन होती बेटा, पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन। जैसे मान लिया कि ये उमंग खड़े हैं, ये चौराहा है, ये चौराहा है, और सॉरी हाँ, ये रोड गई है, ये रोड गई है, ये और उमंग ये जा रहे हैं, ये तो हमारी पोजीशन क्या थी, ये यहीं पर तो खड़े थे हम। ये जहां आप बैठे हुए हो, पोजीशन का मतलब कि जहां पर कोई चीज रखी गई हो, जहां कोई ऑब्जेक्ट हो, वो हो जाता है पोजीशन। जैसे ये मार्कर है, इसकी पोजीशन क्या है, ये चेंज हो गई। ये पोजीशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब विच प्लेस एट विच एनी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, कोई ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ हो। आगे हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब होता है इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ए क्लॉक विथ रेस्पेक्ट टाइम विच एन ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द पोजिशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, आपने पढ़ा ना अभी डायमेंशन में, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डायमेंशन में, रेफरेंस में, उसमें पढ़ा था कि कोई भी ऐसी, कोई ग्राफ, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा ग्राफ, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये टाइम है, ये स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, ये मैंने ले लिया, मान लिया ये टाइम का ग्राफ है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है, ये इसका मान लो आप, ये हमने दे दिया 5, 10, 15, सेकेंड में दिया 2, 4, 6, 8। हमने माना कि ऑब्जेक्ट अभी ना यहां तक जा चुका है, यहां पहुंच गया, यहां। अब ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पहुंच गया, तो इसको क्या करेंगे, इधर मिला दो और इधर मिला दो। आप पता कर लो कि ऑब्जेक्ट ने 4 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय की, 10 मीटर कवर किया इन 4 सेकेंड में। क्लियर? या हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये जो आपने ये एक फ्रेम दिया, फ्रेम मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बताए, इसको क्या बोलते हैं, एक्स, इसको वाई, इधर कोई खींच दो तो जेड, ये जो आपने एक्सिस बताए कोऑर्डिनेट, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही? मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली, हॉरिजेंटल, वर्टिकली या हॉरिजेंटल, या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जमीन से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो या जमीन पे जा रहा हो, तो हम ऊपर से किसी एंगल से उसको कैसे बताएंगे, एक एंगल मान लें आप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को बताते हैं। पोजिशन क्या होती है, हमने बताया था, या जहां कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो। जैसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या थी, ये, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये जब आप देखेंगे तभी तो उसकी पोजीशन दिखेगी। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी पोजीशन यहां है, अब मैं पता लगा आप मुझे यहां से देख रहे हो या दूर से देखते भी आ रहे हो, तो मेरी पोजीशन यहां है, अब मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूं, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ दूर तक जा चुका होऊंगा ना, तो मेरी पोजीशन कहां होगी, जहां आपसे, आप मुझसे मुखातिब होंगे, जहां आप मुझसे मिलेंगे। क्लियर? जैसे ये दो मार्कर आ रहे हैं, ये अभी दोनों पोजीशन ये है, अब दोनों ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, अब देखो इसकी पोजीशन ये हो गई, इसकी पोजीशन ये हो गई। अब इसी को हम एक्स वाई से मेजर कर लें, ये एक्स एक्सिस जितना आया, ये वाई एक्सिस जितना आया, ये एक्स एक्सिस जितना आया था और वाई एक्सिस जितना आया है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बताएंगे हम, ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा हम देखते हैं। देन अगला टॉपिक हमारा है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप देखते ही हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, टोटल कवर्ड पाथ पढ़ा है ना, द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यार में स्केलर क्वांटिटी होती, मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और
और दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, तो जो बॉडी ए से बी तक आएगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 10 मीटर होगी। क्लियर? मान लो हमने एक पॉइंट और दे दिया, हमने दे दिया बी, यहां हटा दिया मैंने, बी यहां कर दिया, मैंने बोला ये जाना है। अब कोई बॉडी यहां गई, माना है 5 मीटर है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। क्लियर है ना? फिर हमने ये कर दिया, ये कर दिया, अब बॉडी यहां से यहां तक आई थी, मैंने माना ये 10 मीटर है, मैंने माना फिर ये 5 मीटर है, बॉडी यहां तक आ गई, ये 10 मीटर है। ठीक है, तो बॉडी पहले इतना गई 5 मीटर, फिर 10 मीटर आई, बॉडी को यहां से आना है डी पॉइंट तक, सी डी पॉइंट तक आना है, ए टू डी चल रही बॉडी। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकती ए टू डी, नहीं सोचो डायरेक्ट आ जाएगी। या मान लो ए टू सी जाना है, ए टू सी, तो ए टू सी डायरेक्ट ऐसे नहीं चली जाएगी बॉडी, कभी भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस का मतलब कि एक्चुअल पाथ कवर करे, 5 ये गई 10 ये गई, तो ए से सी तक जाने में बॉडी को कितना कवर करना पड़ा? 15 मीटर, ये इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो गई। बात समझ में आ रही है? ये है डिस्टेंस, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसको बताने के लिए अगर क्वांटिटी बता दो बस हो गया। क्लियर? दीवार की लंबाई कितनी है? 60 मीटर, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस। चौड़ाई कितनी है, मतलब ब्रेथ कितनी है? 20 मीटर, ये क्या हो गया? डिस्टेंस। आगे देखते हैं, देखो अब मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसी में डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा ही होगा, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट सॉर्टेड डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो अब बॉडी को ए टू सी जाना है, तो ऐसे डायरेक्ट चला जाएगा, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां एंगल बन जाएगा, ये बन गया थीटा, यहां लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, ये बन जाएगा बेस, ये हाइट, ये हाइपोटेनस, AC क्या बन गया? हाइपोटेनस। अब इसकी वैल्यू निकाली कैसे निकालोगे? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने कि नहीं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी ब्लेड, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है ये, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये बन गया AC इज इक्वल टू 10 का 100, इसका 25 रूट के अंदर, ये बन गया 125 रूट के अंदर, 125 पर निकालोगे कितना होगा? 25 इतना तो होगा, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो गई? 25 मीटर। क्लियर? अभी इसने कितना कवर किया था? 5, 10, 15, ये कितना कवर रहा? 25। प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करे, किधर से भी जाए, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बनेगी, डायरेक्शन। अब देखो फिजिक्स में डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं नापते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल बनना। अगर एंगल बना, कोई एंगल बना, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, कोई एंगल, अगर एंगल से काम किया गया तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट एंगल काम किया गया तो डिस्टेंस। ठीक है, मैं से हटा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन क्या है? एनी बॉडी चेंज आवर पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ अगर चेंज करती रहे तो वो क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। इफ एनी बॉडी कॉन्टिन्यू मूव इन सेम स्पीड, या फिर इफ एनी बॉडी कवर्ड सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये मान लिया कि ये है एक बॉडी ए बी सी सॉरी डी, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। अब मान लो कोई बॉडी ए से चल रही है, उसने ए से चलना शुरू किया, मान लो उमंग ए से चल रहे हैं और उमंग को यहां तक आना है, तो उमंग को यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लगा, फिर यहां से यहां तक आने में फिर 10 मिनट लगा, और यहां से यहां तक आने में फिर 10 मिनट लगा, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर? देखो उन्होंने हर जगह पे सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इतना सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर किया है, ये हो गया यूनिफॉर्म। अब यहां हमको चेंज कर दें, मान लो यहां तक आने में इनको 5 मिनट लगा, 5 मिनट,
और ये 2 मिनट लगा, बस खत्म मामला। अब ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देखो उन्होंने 5 मीटर की डिस्टेंस पहले 10 मीटर में 10 मिनट में कवर की, फिर 5 मीटर नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में कवर की, नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर की। तो उनकी जो स्पीड थी वो लगातार क्या हो गई, कम ज्यादा हुई। स्पीड सेम हो तो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो रहा है? अगर कोई इंसान सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, फिर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, फिर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो उसी डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक ग्राफ बनता है बेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें ग्राफ वगैरह पढ़ते रहना। जैसे देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये टाइम होता है ध्यान देना, और ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट होगा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो बड़ा कर देते हैं, ये हमने अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात की तो ये ऐसे जाएगा कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू लगातार कम ज्यादा होती है ना, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ये नॉन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, समझ में आ गया ना यहां तक? चलिए हटा दो इसको। इसके बाद आपको पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी, जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप बोरिंग फील करने लगते हो, ठीक है। इतने टॉपिक आप तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, आगे की फिर हम बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।